बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शेफ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ रमज़ान के लिए बहुत ही मज़ेदार खट्टे मीठे दही भल्ले की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। दही भल्ले बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कप बेसन लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा इस्तेमाल करेंगे। बेसन को हम मिक्स कर लेंगे ताकि नमक और सोडा इसमें मिक्स हो जाए, और साथ ही इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप इसको फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें। और अगर आप इसको घर पर ट्राई करते हैं तो बराए मेहरबानी अपना फ़ीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि हमें भी अंदाज़ा हो कि आप हमारी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते, या आप उसको ट्राई करते हैं या नहीं ट्राई करते। बेसन को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है, आप देख सकते हैं ये इस कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर पतला होगा तो आपके जो भल्ले हैं वो अच्छे से नहीं बनेंगे। और इसको हमने 3 से 4 मिनट तक फेंट लिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और साथ ही हम दही भल्ले के लिए मज़ेदार सा खट्टा मीठा दही तैयार करते हैं। दही भल्ले के लिए हमने यहाँ पर 1/2 किलो दही लिया है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करके स्मूथ बना लेना है। दही को मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून चीनी। चीनी डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने 1 अदद खीरा लिया है जिसको हमने जुलियन कट कर लिया है। साथ ही हमने यहाँ पर टमाटर लिया है 1 अदद, इसको भी हमने बारीक काट लिया है, और प्याज को भी इसी शेप में काट लिया है। और फ्लेवर के लिए हमने यहाँ पर हरा धनिया लिया है। तमाम चीज़ों को हमने दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे इमली की चटनी। इमली की चटनी की रेसिपी आपको हमारे चैनल देसी पकवान पर मिल जाएगी। इसकी रेसिपी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून हम इसमें इमली की चटनी डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दही भल्लों के लिए दही हमने रेडी कर लिया है, अब हम भले बनाते हैं। दही भले बनाने के लिए हमने यहाँ पर ऑयल गर्म कर लिया है। अब हम इसमें भले बनाना स्टार्ट करते हैं। बैटर आप देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त और स्मूथ बैटर तैयार हुआ है। यहाँ पर हम बाज़ार की तरह बना रहे हैं इसलिए मैं भले का साइज़ थोड़ा बड़ा रखूँगी। भले का साइज़ अगर आप बड़ा रखेंगे तो आप इसको मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए और इसमें कच्चे बेसन का जायका ना आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर इनका चेंज होने लगा है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इनकी खुशबू है। दूसरी साइड से भी हम इसको 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे। भल्लों का दोनों साइड से खूबसूरत कलर आ चुका है। अब हम इसको एक छन्नी में निकाल लेते हैं और इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हमने इसमें से निकाल लेना है। अब हम इसको पानी में डाल देंगे। यहाँ पर हमने पानी लिया है, इसमें हमने 1 टीस्पून नमक डाला है। इस पानी में हमने इसको 3 से 4 मिनट तक डिप करके रखना है, उसके बाद हमने इसको निकाल देना है। भले हमने बना लिए हैं, पानी से हमने इसको निकाल लिया है, लेकिन हमने इसको आहिस्ता से प्रेस करके इससे पानी निकाला है ताकि भले ख़राब ना हो। अब हम इसको असेंबल करते हैं। असेंबल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर भले की लेयर लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ही ज़बरदस्त सॉफ्ट से भले बने हैं जो कि अंदर तक पक चुके हैं। इसमें बेसन कच्चा नहीं होगा। अगर आप इसको मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे तो बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। लेयर लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर दही डालेंगे। दही डालने के बाद अब हम इसके ऊपर इमली की चटनी डालेंगे, थोड़ा सा केचप डालेंगे। इसी तरह हमने दूसरी लेयर भी लगा लेनी है। भल्लों की लेयर लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर दही डालेंगे।
दही की लेयर लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे इमली की चटनी, थोड़ा सा हम डालेंगे इसके ऊपर केचप, जो एक्स्ट्रा बेसन हमारे पास बच गया था उसकी हमने इस तरह से पापड़ियाँ बना ली हैं। इसको हमने पानी में डिप नहीं किया, इसको हमने इस तरीके से भलों के ऊपर से डाल देना है। भलों में इसका क्रंच बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए आपने इसको लाजमन बनाना है। थोड़ा सा बेसन बच ही जाता है अमूमन, उसको आपने पापड़ी के लिए इस्तेमाल करना है। बहुत ही मज़ेदार खट्टे मीठे दही भले तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको अपने अफ्तार में ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।